ओ भाई मुबारक हो मैट्रिक वालों, सुने रिजल्ट आ गया आप लोगों के। तो यार मेरे साथ भी एक है मैट्रिक पास, बड़ी मुश्किल से इसको मैट्रिक पास कर लिया। हाँ भी ताहा कितने इसे मुंह का छुपा रहा काप का है रे। मार्क्स कितने आए हैं? अल्लाह इधर आओ ना, किधर टहल रही हो? इधर मार्क्स कितने आए मैट्रिक में तुम्हारे? ऐसे तुम शर्मा रही हो यार, लगता है ये ना फेल यार। तुझे पता है हाँ? मेरी क्लास की एक बड़ी लाइक लड़की थी। अच्छा। उसके भी बड़े गंदे मार्क्स हैं। कितने आए इसके? के आए 645। और बाकी बातें छोड़, तेरे कितने आए? एक मिनट अब पता, ये देख रहे ये पूरे पूरे 12 नंबर है मजाक के अलावा। दिखाता हूँ ना मैं आपको, वो दिखा दूं। तुमने नहीं भी दिखाना तो मैं लितर, मैं आपको रिजल्ट दे, तेरी लितर प्लेट होने वाली है। वो तो डिलीट हो गई भाईजान, मजा आ गया आज भाईजान। इतना कुछ मंगवा लिया इसने, फेल होने की ट्रीट दे रहा है, इतनी मजे आ रहे हैं। ये मेरे फोन पे क्यों, ये मेरे पैसे क्यों, मेरा कार्ड तेरे पास है? अच्छा मुझे बता तू कौन से कॉलेज जाने लगा? ओहो तू तो फेल हो गया। ठीक है तो अब मैं बताता हूँ कि आप लोग किस कॉलेज में जाने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर तमाम बातें मजाक और ह्यूमर से भरी हुई हैं, अगर किसी को केला खाना तो प्लीज ये वीडियो ना देखे, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ना सब मैट्रिक पास करने वालों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, ठीक है। और अब मैं लिस्ट को शुरू करता हूँ जो कि लाहौर और पंजाब के अंदर जो मोस्ट वेल नोन कॉलेजेस होते हैं ना, उनकी मैं लिस्ट। सबसे नंबर वन पे आप लोग जाने की कोशिश करते हैं भाईजान, कौन नहीं जाना चाहता? GCU है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल भाईजान वहाँ पे आपको को माहौल मिलेगा, ठीक है। आप मजे से अपनी गाड़ी के पीछे या मोटरसाइकिल की बत्ती के पीछे रावियन लिखवा सकेंगे। और क्या, वो एक मेन चीज तो भूली क्या, वो बिल्डिंग, वो जो क्लॉक टावर है भाई जो ना, हर जीसी जाने वाला वो अपने आप को हैरी पॉटर समझता है। और जो लड़कियों की वो हरमाइनी ग्रेंजर लंबे लंबे चौबे पहन के वर्गार्डियम लंबियोसा करते रहेंगे, ठीक। एक आधा नुक्कड़ में उनका जो डीन होगा वो उसको वोल्डेमॉर्ट कह के कहेंगे, हाँ जी भाई जो हम तो हैरी पॉटर के कॉलेज में जाते हैं, ठीक है। और यार वो तो मैं भूल ही नहीं सकता, वो जो हर साल वो जो वो ना भी हैरी पॉटर वाला जो सारा करते हैं, हाँ आई नो द बिल्डिंग लुक्स ग्रेट बट उससे अच्छी मेरे स्कूल की बिल्डिंग थी, हाँ जी सेंट एंथनी बहुत ही प्यारा लगता है, वो भी सेम ही है। बट कभी मैंने ये नहीं कहा आई एम एंथोनियन। खैर मेरे अब्बा बहुत कहते थे मेरा बेटा एंथोनियन है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। चला 200 बच्चा होता था एक एक क्लास में, 60-60 बच्चा एक सेक्शन में होता था, मेरी क्लास में 70 थे, पता नहीं कहाँ से इतने बच्चे पैदा हो जाते थे, बट वहाँ तक मैं नहीं जाऊँगा। तो ये मेन रीज़न है आपकी GCU में जाने की। दूसरा FC, जिनका GCU में एडमिशन नहीं होता वो FC में ट्राई करते हैं, तुमसे ना हो पाएगा, उसी लेवल पे रखने की बहुत कोशिश करते हैं बट नहीं हो पाते, ठीक है। FC फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज, बिल्कुल वो जो नहर वाले पुल के साथ ही है, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादातर लोग इसीलिए जाते हैं कि भाईजान आप अपने आप को 4 मिनट्स बुला सके, ठीक है। वखरे ही ना इट्सेल्फ FC के वो जो कहते हैं ना स्टूडेंट कैलिबर बहुत अच्छा है। और क्या, आप अपनी से बड़ी जो आंटियाँ होती हैं, मतलब जो यूनिवर्सिटी के अंदर लेडीज जा रही होती हैं, उनको देख देख के आप खुश हो जाते हैं कि वाह क्या माहौल है। बट आपको घास को नहीं डालता क्योंकि अगलों का यू नो स्टैंडर्ड आपसे बहुत ऊपर होता है। ये मैं कॉलेज FC कॉलेज के अंदर बता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी वाले पार्ट के अंदर। अब बारी आती है HSN कॉलेज की, ठीक है। HSN कॉलेज के अंदर सिर्फ क्या हर कोई बड़ा हुआ है भाई, जिसके पास पैसा है कोई भी अपनी जमीन जमून बेच के HSN बड़ा हुआ है। HSN कॉलेज जाते हैं अच्छे खासे बड़े घरानों के लोग, HSN जा रहे होते तो इसका मतलब दिमाग के अंदर यही आता है कि भजन ये यहाँ तो इसका बाप बहुत अमीर है, ये इसका बाप बहुत अमीर है, यहाँ पे सिर्फ अमीर लोग जाते हैं, ये हमारा माइंडसेट है। बच्चे कैसे जाते हैं यहाँ तो बहुत ही वढेरे मुछा वट के, हाँ जी भजन ये इस तरह के होते हैं, यहाँ मम्मी डैडी बरकट है, बहुत ही क्लास डिस्टिंग्विश्ड है कि एक बहुत ही एक्सट्रीम लेफ्ट और एक बहुत राइट है। ये तब की अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, ठीक है, किसी को दिल आजारी होता हूँ, मैं फर्क नहीं पहनता। चौथा और सबसे ज्यादा पॉपुलर कॉलेज, हाँ जी इसके साथ ना मेरा पर्सनल आंकड़ा है, इसके साथ मुझे गुस्सा है, क्यों, क्योंकि मैं खुद इसी कॉलेज का हूँ जी। प्रेजेंट करता हूँ PGC पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ठीक है भाई जान। इसके अंदर आप जा रहे हैं तो आप एक एवरेज मिडिल क्लास लौंडे बिल्कुल मेरी तरह, ठीक है, जो पहले दिन गए हैं सिर्फ चेक कर लिया, आपने दिल के अंदर तहिया कर लिया कि आपने पंजाब कॉलेज के अंदर नहीं जाना, ठीक है। आपने वो फजूल से कॉलेज उनके यूनिफॉर्म देख लिया, वो कहते आप दिल ही दिल में कह रहे हो यार बट बाबा सीर इज दिस, आप चाहते ही नहीं हो कि आप उसके अंदर जाओ बट दोस्त के कहने पे दोस्त लेने चलते आज देख के आते, ठीक है। आप जाते हो कैंपस अल मशहूर कैंपस के अंदर, आप दरवाजा गाड़ी खोल देते, आप खुद ही खोलोगे क्या, मतलब ये काम भी
ही रह गया। अब जाते हुए मजे से वहाँ पे देखते हो यार हर जगह हरियाली हरियाली है, वाई पीजीसी बदलाव क्यों है ये बदलाव, यहाँ पे चल क्या रहा। अब जाते हो मजे से वहाँ पे काउंटर्स होते हैं प्री मेडिकल का, इंजीनियर का, आईसीएस का, बिजनेस भी, आईकॉम का, ठीक है, यू नो जिसने जिसने पढ़ाई नहीं करनी होती वो सिर्फ खाना पूरी के लिए, एफए वाले भी उधर ही होते, फिक्र ना करो। आप जाते हैं वहाँ पे, आप देखते हैं यार वाह जी वाह क्या हरियाली है, इधर भी हरियाली उधर भी हरियाली। वो हरियाली नहीं होती, वो बेट, अगर आप YouTube पे जाके देखें ना वो अक्सर बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो जो कि क्लिक बेट से कम नहीं होती, ये क्लिक बेट है, ये रियल लाइफ क्लिक बेट है। आप जाते हैं, आप मेरे टाइम में 500 रुपए का प्रोस्पेक्टस था, अब पता नहीं उन्होंने 2500 का कर दिया, आई डोंट नो। जाते हैं वहाँ पे, आप बुक उठाते हैं इतनी मोटी, उसके अंदर आप पहला सफा देखते हैं लड़की, दूसरा सफा देखते हैं लड़की, तीसरा सफा देखते हैं लड़की लड़की लड़की, और एक जगह की नहीं, एक जगह की नहीं, आपको वो कहते हैं पंजाब के जिन्हें भी शहर में ना, चविंडा तो लैके लाहौर ते पत्तों के जिन्हें भी है इन्होंने ब्रांच, हर एरिया की लड़की उन्होंने उसके लिए डाली। में मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैं कॉलेज का प्रोस्पेक्टस ले आई हूँ किसी, और ऐसी वैसी भी नहीं कि बोला का यार है कि छप्पर स्टाफ है, नहीं खूबसूरत मॉडल से कम। दिमाग खराब हो जाता ना यार, कहते हैं यार क्या बात क्या बात, ना मेरे जैसे गरीब पर पंजाब कॉलेज के अंदर दाखिला ले लेते हैं। अच्छा जी, पंजाब कॉलेज के अंदर इस तरह के लोग दाखिला लेते हैं जिसका कहीं एडमिशन नहीं, उसको पंजाब कॉलेज अपने सीने से लगाता और कहता है हम तुमको पढ़ाएगा। हाँ अगर आप पंजाब कॉलेज सुपर मॉडल और मॉडल में जा रहे हो तो आपका लेवल कुछ और है, चौकियाँ मार लो कि आई गो टू PGC सुपर मॉडल, आपको कह कह के आदत होगी, वो बात अलग है आपका टेड मेरी फूफी जैसा है, पर आप अपने आप को सुपर मॉडल कहोगे। हाँ पांचवा कॉलेज आता है, अब गवर्नमेंट कॉलेज की बात है, GCU तो गवर्नमेंट है ही है, बट वो हमारी औकात से बहुत ही मतलब कि टॉप क्रीम जिसको कहते हैं ना, मेरे अब्बा जी कहते हैं जी क्रीम होती है ना स्टूडेंट की, वो जानती है GCU तेरे जैसी नहीं, वाकई नहीं मैं गया, मैं बस वहां पे जाके फेरा मार के आ गया था कि बहुत प्यारी। पांचवे नंबर पे आती है भाईजान, अगर आपका ताल्लुक बदमाशी से, आपने बच्चे कुटने, आपने जो आपका दिल करता आपने करना, आप जाते हो गवर्नमेंट साइंस कॉलेज सिविल लाइन MAO। मैं ये खुद नहीं कह रहा भाई, मुझे मार पड़ चुकी है, मुझे ऐसी ऐसी कुटे पड़ी हुई है लोगों से जिसका कोई हक ही नहीं, मुझे नहीं समझ आती थी मुझे मार पड़ क्यों रही है, बट पड़ी। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। PGC का यूनिफॉर्म दूर से बंदा पहचान रहा था कि भाई ऐ बंदा जा रहा है फाड़ लो, ठीक है रास्ते में मुझे नर्स ने कहा चाचा साइड से ला, मैं क्या हाल था आपका तेरी, अच्छा मैं प्रॉपर बता रहा हूँ, अच्छा जी वेखो बर्गर आया ही PGC का, ऐसे भजन सूटे सूटे पकड़े में, और भाई उन्होंने लिटरली, अच्छा मेरा शुरू से कादना मतलब कि आई वो सिक्स फिट इन माय कॉलेज, आई नो आई एम फ्लेक्सिंग, ये फ्लेक्स 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 फ्लेक्स, मगर अगले 6-7 बंदे ले आए उन्हें के साइड से आई। अब मुझे पता था कि भजन इन्होंने मेरी करनी है की पैंक, मुझे मेरे दिल कह रहे थे कि भजन कुछ ना कुछ होना भाई बू पड़ा होना, उन्हें कहा साइड पर ला के उठे जा, उधर जाके ना भजन मैंने देख लिए दूर से कि भजन अपने ही PGC के लौंडे मुर्गे बने हुए, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेन रोड पे साइड पे मुर्गे बने। मैं कहा ओके, मैंने बाइक के उधर ही बैंड की दूँ पहले गेयर में भगाई, मुझे नहीं पता कि मैं किस स्पीड से गया, उन्होंने पीछे से सोटा मारा, मेरे डॉज किए, मेरे अंदर का फ्लैश जाग गया, मैं बच के बाहर, उसके बाद मुझे पता चल गया कि भाई अपने जो PGC के ना वो अपने आप को ही मारेंगे, अपने आप को ही कुट पड़ेगी, हमें और कोई नहीं बता सकता, हमें MAO वाले सिविल लाइन्स वाले जो भी है ना आगे कुट जाएंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। और मजे की बात, सबसे मजे की बात जो है ना वो आपके PGC के गार्ड्स हैं भजन, फुल छोटे छोटे पकड़े होंगे, जैसे अभी कबड्डी का मैच ना फाइनलाइज करके आए कि भजन कल इन्हें कबड्डी का मैच खेलना और आज ये PGC में सिक्योरिटी गार्ड है। उनकी डींगा कुश्ती पता सबसे ज्यादा किस पर चलती है, PGC के खुद के स्टूडेंट्स पे, मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे सामने लड़ाई हो रही, ठीक है FC वाले PGC को आगे मार के कुट के चले गए और भाईजान वहां पे वो मजे से खड़े कुछ भी नहीं कह रहे, उनको कह रहा हूँ मैं भाईजान उन्हें बचा लो, बेचारा मर जाएगा, उन्हें मारी जा रहे ने, सानू नहीं पता की करना है, साडा काम थोड़ी है आपस ही लड़ाई है सुलह माफी, वो मैं कहा मर जाएगा, ओ हो जाए तो मर जाएगा, हो जाए मर जाएगा, खत्म ही नहीं होता। अच्छा फिर क्या, PGC कैंपस के अंदर ना लड़कियां लड़के अक्सर शाम को ना साथ साथ होते थे मेरे टाइम पे भाईजान, वहां पे अगर 2 लड़कियां खड़ी हैं और 100 लड़का भी खड़ा है, 100 लड़के को हटा देगा अपना गार्ड, कहेगा और तू उठे जाओ उठे लेडीज ने जाना, 2 लड़कियों की वजह से मेरे साथ हो चुका है, आई एम द गवाम, आई हैड द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के यार, मैं वहां पे कैंटीन में खड़ा होकर बातें कर रहा हूँ, वहां से एक लड़की ने आकर सौदा लेना था पता नहीं आई डोंट नो व्हाट, गार्ड है उन्हें ना उसने प्याज नहीं खा के साइड पे हो जाए प्लीज, ओए साइड से हो What the actual? F bro, मैं फीस दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे बट हम तो चौड़े हैं, हम तो ये देखो मेरा फ्लैक्स टोला, ये मैं क्या हूँ साइड पे, हम छोटे छोटे बुजुर्ग हैं, ओके यार
फिर मैंने भी आपका भाई फिर बदले लेने में काम थोड़ी, मैंने भी यही हरकत की। मैं ऐसे कैंटीन वाले सिनेरियो था, गार्ड को मैंने बोला, मैं कहा वो तीन नहीं दो तीन लड़कियां थी, मैंने को साइड पे जब मैं सौदा उस चवल मैं क्या कहूँ उसको, उस अंकल ने मुझे कहा कि भाई आप जाके ले लो, मैं कहा नहीं उनको हटाओ, मैंने सौदा ले, वो गया उसने लड़कियों को हटाया, लड़कियों ने मुझे लुक कराई कि ये किसने ये कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा, ओ भाई वो मैं था, मैंने उनको नहीं मुड़ के देखा, उन्होंने देखा, मेरी ईगो सेटिस्फाइड हो गई। तो ये है पीजीसी से बना वगैरह वगैरह। अब आगे जो बाकी के प्राइवेट कॉलेजेस में पता नहीं कौन कौन से बहरिया बीएनयू सीएनयू टीएनयू, भाई मुझे नहीं पता क्योंकि इनकी लिस्ट में ही नहीं आता, ये वो कॉलेजेस हैं। एट द एंड ऑफ द डे घर वालों ने यही कह रहा था बेटा ये पढ़ लो बस, इसके आगे कुछ यही कुछ लुटिए नहीं भाई, बस 23 साल का होने वाला हूँ ठीक है, कोई लुटी नहीं कोई कुछ नहीं, मरते रहोगे पिस हो गए तुम लोग गालियाँ निकालोगे और तुम कहोगे अभी मुझे घर जाना है। तो गाइस अगर आपको ये मेरी वीडियो और ये मेरा थोड़ा बहुत थोड़ा सा व्लॉगिंग से हट के कॉन्सेप्ट पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट्स में बताओ, और एम करते हैं सिर्फ 30 लाइक्स पे यार, 30 लाइक्स कर दो बड़ी मेहरबानी होगी ठीक है, मैं और क्वालिटी कंटेंट डालने की कोशिश करूँ और बहुत ही फ्रीक्वेंट। तो अभी भाई को सब्सक्राइब करें, पता नहीं किधर है, जिधर भी है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और मुझे दीजिए इजाजत ठीक है, अल्लाह हाफिज़।